So hello everyone and welcome back to One Academy. My name is Dr. Varun Sharma and I welcome you all on behalf of One Academy to the new channel which is the Rajasthan 360. Okay, so this is about me. My name is Dr. Varun Sharma and I have been training civil service students for the past 2 years now and I have trained some 500 out of them. I have appeared for UPSC CSE interview once and for RAS interview thrice. And I will be helping people to prepare strategically for RPSC exams, alag-alag exams in RPSC in English medium. So this is a brief introduction about me. Now moving to today's topic, today's topic is our temple architecture of Rajasthan. Which is an important part, we are doing part 2. Yesterday we have studied about some temples, what are the basic styles of temple architecture in Rajasthan. Good evening Tarun. और उसके अलावा हम लोग राजस्थान के टेम्पल्स किस किस स्टाइल के बने, जैसे नागर स्टाइल के टेम्पल है पर वो ओवरऑल है, इसके अलावा कौन कौन से आपके राजस्थान के अंदर कौन कौन से टेम्पल हैं वो आपको इसके अंदर होने चाहिए, क्या क्या उनका स्टाइल है, जैसे महामारू शैली है, गुर्जर प्रतिहार शैली है, तो वो सारे हमने डिस्कस करी थी. ठीक है, तो ये इसका आज पार्ट टू करेंगे, कुछ और टेम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद कल हम इस टॉपिक को मोस्टली कल कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, कुछ 40-50 टेम्पल हैं तो उसके अंदर जितना मैक्सिमम हम कर सकते हैं हम उसको करेंगे. ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर, तो वाई एन अकेडमी बिकॉज यू विल बी गेटिंग डेली लाइव क्लास मिलेंगे, आपको यहाँ पर डाउट्स लाइव क्लियर किए जाएंगे, यू नो द ड्रिल, आपके सारे सवालों के आंसर दिए जाते हैं यहाँ पर. प्लस की बात कर रहा हूँ मैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको मिलेंगे यहाँ पर, जो भी पूरा टॉपिक वाइज सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा आपका, टॉप से बॉटम तक जो भी चीज़ें सब कुछ मैंशनड है वो सब कराई जाएगी. इसके बाद आपको लाइव क्लासेज मिलती हैं, कोर्सेज होते हैं ताकि अपनी परफॉर्मेंस को आप असेस कर सकें कि कितना बेहतर आप कर पा रहे हैं, क्या इंप्रूवमेंट है पहले से, और अनलिमिटेड एक्सेस फॉर द टाइम ड्यूरेशन जब तक आपका सब्सक्रिप्शन वैलिड है. तो आपने एक साल के लिए तो पूरे एक साल के लिए, और दो साल के लिए तो पूरे दो साल के लिए, प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू पूरी तरह से ओवरऑल आपको वन स्टॉप शॉप के तौर पर यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा जाएगा सारी चीज़ें, मटीरियल, डेटा, वट एवर यू नीड फॉर योर एग्जाम्स. ओके, नाउ ये कुछ टॉप एजुकेटर्स की लिस्ट है जो RAS के अंदर पढ़ा रहे हैं. ठीक है, वाईफाई स्टडी भी राजस्थान का अनअकैडमिक सब्सिडियरी चैनल है, तो आपके ग्रेड वन या ग्रेड टू का जो एग्ज़ाम है, उसके अलावा आपका रीट है या पटवार है या आपका ACF है जो अभी आने वाला है, उसके अलावा RAS है, ठीक है, या SI है या आपका पुलिस कॉन्स्टेबल है, जो भी एग्ज़ाम है सारे के सारे एग्ज़ाम के लिए आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है कोचिंग. और एक कोचिंग तो नहीं एग्जैक्टली बट हाँ, आपने जो भी लर्नर्स हैं वो सारा अपना डिटेल्स, उनके पास जो भी इन्फॉर्मेशन नॉलेज है वो सब आपको शेयर करते हैं. ये मेरा एक कोर्स अभी खत्म होने वाला है, पार्ट 3 पूरा पब्लिक एजुकेशन में करवा चुका हूँ प्लस के ऊपर, तो जो भी प्लस ज्वाइन करेगा वो पहले मेरे सारे वीडियोस देख सकते हैं, कोर्स हमेशा मौजूद रहेगा. इसके अलावा जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप क्लियर करवा सकते हैं एंड दैट विल बी क्लियर बाय मी बाय टेकिंग डाउट क्लियरिंग क्लासेस. तो आप मुझे अपने मेंशन कर दीजिएगा डाउट्स, तो मैं वो क्लियर करवा दूंगा आपको. ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया तो दोबारा एक कोर्स होगा नहीं, दोबारा भी इस कोर्स को चलाया जाएगा नए तरीके से पूरा. ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर, हाउ टू रजिस्टर अनअकैडमी, सिंपल है, सिर्फ आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, गो ऑन RPSC एंड क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन. आपको 10VS कोड ध्यान रखना है, कोड ढंग से ध्यान रखिएगा एंड ये कोड आपको यहाँ लगाना है, ये जो गिफ्ट बॉक्स बना है यहाँ पर इसके सामने, और आपको अपफ्रंट 10% डिस्काउंट मिलेगा. सो जो एक साल का कोर्स है 7000 की वैल्यू का, वो आपको 6300 में, और जो दो साल का कोर्स है 8400 की वैल्यू का, वो आपको 7560 में मिल जाएगा. एक खास बात, ये जो पूरा कोर्स है ये एक नहीं, ऑल टीचर्स का है और ये ऑल कोर्स एग्जाम्स के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए और सभी टीचर्स के लिए एक ही कोड वैलिड है. ठीक है, तो ये सब अमाउंट भी सब उसी, सब टीचर्स और सब उसके लिए है, तो दोनों चीज़ें ही है उसके लिए है. तो आपको ऐसा नहीं है कि सबके लिए अलग अलग कोर्स है, अलग अलग आपको टीचर से पढ़ना है तो अलग अलग आपको सब्सक्रिप्शन देने पड़ेंगे, सबके लिए सेम है, तो एक कॉमन चीज़ रहेगी. सो गो अहेड, बहुत एक सही प्राइस में मिल रहा है, अभी जब तक वैकेंसीज नहीं डिक्लेयर होती हैं और तब तक ये 7560 रुपये है, फिर ये बढ़कर 12,000-15,000 भी हो सकता है. तो आई वुड वॉन्ट कि आप अभी ट्राई टू सेव मोर एंड मोर ऑफ योर मनी एंड गेट इट डन बिफोर दी प्राइसेज आर इंक्रीज, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम डिक्लेयर होंगे अब तो प्राइसेज बढ़ने के पूरे चांसेस हैं. सो आई विल जस्ट गिविंग माई एडवाइस कि आप ये दो में से 12 और 24 में से बेस्ट कॉस्ट इफेक्टिव है वो आप ले सकते हैं. चलिए मूविंग फर्दर, अच्छा इसके अलावा और भी कोई इंक्वायरी, एनी डाउट यू हैव इन योर माइंड, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर. ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, मेरे क्लासेस के लिंक्स आपको यहाँ मिलते रहेंगे रेगुलरली. सो मूविंग फर्दर नाउ, तो टेम्पल आर्किटेक्चर, तो आज जो हम मंदिर डिस्कस करने वाले हैं अलग अलग, उसके अंदर एक खास बात मैं बता दूँ कि कुछ मंदिरों को आपको नाम सुने हुए लगेंगे, पुराने हैं तो, पर वो राजस्थान के अंदर भी उतनी ही उससे पूजे जाते हैं जैसे कि कहीं और आपने नाम सुने होंगे मंदिरों के. तो उनमें से एक है गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर. तो आज तक तो ज़्यादातर लोग स्वर्ण मंदिर अमृतसर का जो हरमिंदर साहिब है उनको समझते हैं, लेकिन राजस्थान में भी एक स्वर्ण मंदिर है जो फालना पाली के अंदर मौजूद है. ठीक है, ये एग्जैक्ट उसकी इमेज है. तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट मंदिर है यहाँ पर आपके स्वर्ण मंदिर का.
और इसको आप गेटवे ऑफ गोडवाल, तो गोडवाल को जाने का जो रास्ता है उसको भी कह सकते हैं, और मिनी मुंबई, ये दोनों इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखिए पाली और ये फालना वाले जो रीजन है ये दे आर वेरी क्लोज टू सूरत एंड बॉम्बे। ठीक है, ठीक है, तो राजस्थान के बिल्कुल मारवाड़ वाले जो बॉर्डर एरिया से पड़ते हैं, तो गुजरात के बहुत पास में पड़ते हैं गुजरात, आई मीन नॉट एग्जैक्टली सूरत बट गुजरात। और यहाँ पर जो ज्यादातर जो मर्चेंट्स हैं ना वो क्या करते हैं, दे हैव बिग बिजनेसेस इन बॉम्बे एंड इन सूरत। और पहले आपको पता होगा जब इंडिपेंडेंस मिली थी हमको तो गुजरात अलग से स्टेट कार्व्ड आउट नहीं हुई थी, गुजरात 1961 में जाकर बनी है, उससे पहले सब कुछ बॉम्बे प्रेसिडेंसी था। ठीक है, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के चक्कर में इन लोगों इनका यहाँ पर जो जितनी पॉपुलेशन रहती थी उनका बहुत ज्यादा झुकाव था। हाय प्रवीण, अरे दैट्स ग्रेट टू नो दैट यू आर फ्रॉम फालना। तो यहाँ पर उनका झुकाव था बहुत ज्यादा बिजनेस की तरफ था, और ये ज्यादातर लोग मुंबई या सूरत इन जगहों पर जाया करते थे। तो इफ यू अच्छे जैसे प्रवीण हमें बता रहे हैं कि यहाँ से, तो देर आर बिग हाउसेस, बिग कंपाउंड्स, जो रेजिडेंशियल कंपाउंड्स है बड़े बड़े बने हुए हैं यहाँ पर, बिग बिजनेसमैन जो बहुत काम करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उनके हिसाब से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, तो ये ध्यान रखें फालना। ऐसा ही एक जगह है बाली, जो भी पाली के पास पड़ती है, वो भी इसी तरह की एक जगह है बहुत, सुमेरपुर, ऑल दीज थिंग्स। ये छोटी छोटी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो तहसील्स हैं, बहुत नाम से वैसा लगता है बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन जो फैशन मुंबई वगैरह के अंदर बाद में आएगा वो पहले इस पार्ट में आता है। और यह बाली और पाली इन फालना जगहों से क्लोदिंग इंडस्ट्री बहुत फेमस है यहाँ की, क्लोदिंग खासतौर से जो वुमेन क्लोदिंग है ना, साड़ीज और सूट्स वगैरह, तो ये ऑल ओवर इंडिया के जो मटेरियल है वो सारा यहाँ मिलेगा, चाहे वो सूरत का हो, चाहे अहमदाबाद का हो, चाहे कलकत्ता का हो, चाहे साउथ का हो, एवरीथिंग यू कैन फाइंड इन दीज प्लेसेस, बाली, फालना और आपके ये पाली के अंदर इन जगहों पर। ठीक है, चलिए फिर आपके आता है मूछाला महादेव टेम्पल। ठीक है, ये घानेराव पाली के अंदर है। ठीक है सर, फालना इज दी ऑल्सो दी अम्ब्रेला सिटी। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था अम्ब्रेला सिटी, तो यहाँ मतलब अम्ब्रेला भी बहुत नए तरह के मिलते होंगे, आई डेंट नो दैट। ठीक है, तो अच्छा है, तो दूसरा आपका मूछाला महादेव टेम्पल, ये आपके घानेराव पाली के अंदर है। और यहाँ पर एक स्टैचू है महावीर स्वामी का जो मुस्चाचिस के साथ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए मूछाला महादेव टेम्पल भी कहलाता है, मूछ वाले महादेव का मंदिर। और यहाँ पर महावीर स्वामी का जो मंदिर है, जो आइडियल है, वो भी आपको मूछों में मिलेगी। चलिए नेक्स्ट आपके आता है श्रीनाथ टेम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है, श्रीनाथ जी का मंदिर राजस्थान के अंदर बहुत नामी मंदिर है। और इस मंदिर के पीछे बहुत अच्छी स्टोरी है, आपके जो दाऊजी महाराज थे, जो ये कृष्ण का जो आइडल लेकर आए थे, ये वाली एक्चुअल मूर्ति है उनकी, ये श्रीनाथ जी की, और ये श्रीनाथ जी की बाल मूर्ति है, मतलब जो यहाँ पर जो पूजा होती है कृष्ण भगवान की, वो उनके बाल रूप के अंदर होती है, बाल रूप से मतलब जब वो छोटे थे। और इन्होंने ये इनका जो मूवमेंट देख रहे हैं हाथ का, ये माना जाता है कि इन्होंने इस वक्त गोवर्धन पर्वत उठाया हुआ था यहाँ पर। ठीक है, अब वो पत्थर की फोटोग्राफ यहाँ पर नहीं है, आई मीन जो इमेज यहाँ पर नहीं है, फोटोग्राफ तो नहीं, लेकिन या मूर्ति गलत, लेकिन ये जो स्टैंड जो फॉर्मेशन है जो इनकी है आइडल की, वो इसी तरह की है। अच्छा, इसके बारे में एक दूसरी खास बात ये कि जो दाऊजी महाराज थे वो, क्योंकि ये टाइम था औरंगजेब के टाइम, और औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाना शुरू कर दिया था उस वक्त, तो औरंगजेब से ये जो इनको एक्चुअली इन मूर्तियों को हम कहते हैं विरुद्ध, VIRUD, विरुद्ध कहते हैं इनको। ठीक है, मूर्तियों को विरुद्ध कहा जाता है, या विग्रह कहते हैं इनको, ये भी आप समझ लीजिए विग्रह। ठीक है, विग्रह, ये दो चीज भी कहते हैं, तो विरुद्ध तो मुद्राएं हो जाती हैं, और विग्रह एक्चुअल मूर्ति को कहते हैं, आइडल को कहते हैं। अब होता क्या है कि जब आपके औरंगजेब ने इनको मंदिरों को तोड़वाना शुरू कर दिया, तो बहुत से जो जो राजपूत राजा थे जो औरंगजेब की उसमें सर्विस में काम करा करते थे, फिर चाहे वो मिर्जा राजा जयसिंह हो, या आपके राज सिंह मेवाड़ के हों, या अजीत सिंह आपके जोधपुर के हों, तो इन लोगों ने क्या करते थे, जहाँ जहाँ भी ये लोग जाया करते थे, और औरंगजेब की सेना जहाँ भी मंदिर तोड़ा करती थी, तो ये क्या करते थे, जो आइडल्स हुआ करते थे अंदर में, मूर्तियाँ हुआ करती थी, उनको निकलवा के राजस्थान भिजवा दिया करते थे। तो बहुत से ऐसे मंदिर आपको यहाँ पर मिलेंगे राजस्थान में जिनकी मूर्तियाँ कहीं बाहर से आई हुई हैं। ठीक है, वो इसीलिए कि एक्चुअल उनको खराब नहीं किया जाए, क्योंकि मंदिर तोड़वाया तो मेन तो वैल्यू उसकी मूर्ति की है जो उसमें थी, क्योंकि पावर ज़्यादातर वहीं पर हुआ करती थी, तो जो पावर जो चाहे मोस्ट आप एक स्पिरिचुअल पावर की बात कह लो, या जो भी आप जिसको शक्ति कहते हैं मंदिर की, तो वो मूर्तियों में हुआ करती थी। तो वो ये लोग राजा वगैरह जो भी थे आपके, मिर्जा राज जयसिंह हो गए, चाहे राज सिंह हो गए, चाहे जसवंत सिंह हो गए, तो ये सब उनको निकलवा के ले आया करते थे, और उनके मंदिर बनवाए थे उन्होंने अलग से। ठीक है, तो इसी चक्कर में ऐसे ही ये दाऊजी महाराज जो थे वो भी इनकी श्रीनाथ जी की मूर्ति को लेकर आ रहे थे, और जैसे ही इन्होंने एक बैलगाड़ी में रखी मूर्ति आ रही थी, और होता क्या कि ये दाऊजी महाराज ने देख लिया था कि जहाँ पर भी बैलगाड़ी रुक जाएगी हम उसी जगह मंदिर बनवा देंगे। तो ये नाथद्वारा से जब होकर गुजर रही होती है तो बैलगाड़ी का पहिया फंस जाता है मिट्टी के अंदर, तो इसका मतलब ये हिंट समझ जाते हैं दाऊजी महाराज की यहाँ पर ही ये मंदिर बनवा स्थापना होनी चाहिए। ठीक है, फिर और राज सिंह को पता लगता है मेवाड़ को, तो उन्होंने भव्य मंदिर बनवाया था। अब ये एक्चुअल मंदिर की फोटोग्राफ है, ठीक है, और अंदर ये इनकी मूर्ति है, तो यहाँ से आप अंदर घुसते हैं। अब ये आप मंदिर देख रहे हैं, तो ये जो मंदिर है इसके बारे में और चीज़ दो तीन बता देता हूँ मैं आपको, ये पंचायतन शैली का मंदिर है, ये भी आप ध्यान रखना। पंचायतन जो आपको मैंने बताया था ना, पाँच खूट जिसके होते हैं, 1, 2, 3, 4 और बीच में जो मेन मंदिर होता है, तो ये वाला पंचायतन शैली का मंदिर है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी ध्यान रखिएगा,
पंचायतंशु, सॉरी ठीक है, पंचायतन शैली का। दूसरी चीज ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो मंदिर थे ये बड़े बड़े घरों जैसे बने हुए देखते हैं, तो इनको आप हवेली टेम्पल भी कहते हैं। तो आपका जो श्रीनाथ जी मंदिर है दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हवेली टेम्पल्स, ठीक है, हवेली टेम्पल। तीसरी चीज एक इंपॉर्टेंट, हालांकि मैं आपको कल्चर में और भी कराऊंगा, दोबारा करवाऊंगा, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर रिमाइंड करवा दूंगा कि आपको बाद में भी याद रहे। और तीसरी चीज यहाँ पर कि इन मंदिरों में जो संगीत बजता था, जो म्यूजिक, जो भगवान की जो पूजा अर्चना या जो भजन गाए जाते थे, उन्हीं को हम हवेली संगीत भी कहते हैं, ठीक है, हवेली संगीत। तो ये भी ध्यान है, इस हवेली संगीत भी फेमस है कहाँ का, नाथद्वारा टेम्पल का। चौथी चीज पिछवाई पेंटिंग, ठीक है, पिछवाई। अब पिछवाई पेंटिंग भी यहीं पर आती है। पिछवाई पेंटिंग क्या था, जैसे श्रीनाथ जी की मूर्ति है, इसके पीछे एक पर्दा लगा हुआ होता था, कपड़े का पर्दा। उस कपड़े के पर्दे के ऊपर बहुत सारे आपके भगवान की जो लाइफ से जुड़े हुए इंसेंसेस बने हुए होते हैं, या मूर्तियां छोटे छोटे उनकी इमेजेस बनी हुई होती हैं, या उनके बारे में और कोई जानकारी बनी हुई होती है, इन फॉर्म ऑफ इमेजेस, तो उसको पिछवाई पेंटिंग कहते हैं। और हमेशा श्रीनाथ जी के मंदिर में पीछे आपकी तरफ, मूर्ति की तरफ, आपको बड़ा सा कपड़ा लगा हुआ दिखेगा जिसके ऊपर काफी चीजें बनी हुई होती है, ठीक है, तो उनको पिछवाई पेंटिंग कहते हैं। वो भी काफी फेमस है आपके नाथद्वारा की। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ मंदिर के बारे में डिटेल मेंशन करी मैंने, लेकिन जब हम अब आगे जब आर्ट एंड कल्चर में आगे बढ़ेंगे तो उसके हिसाब से सारी चीजें मैं आपको यहाँ बताता जाऊंगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर कृष्ण की जो पूजा होती है, भगवान कृष्ण की पूजा, वो उनकी चाइल्ड फॉर्म में होती है। एंड वॉज देयर अ रोल ऑफ औरंगजेब। अब देखिए, ज्योति ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर आपके मिर्जा राजा जयसिंह की डेथ के अंदर, क्योंकि उन्होंने आपके शिवाजी को मुक्त करवा दिया था, एक्चुअली पुरंदर की जो संधि हुई थी, थोड़ा सा मैं टॉपिक से डिव्यूट हो रहा हूँ, जो पुरंदर की संधि हुई थी आप शिवाजी और औरंगजेब के बीच में, तो उस वक्त शिवाजी ने काफी सारे अपने जो जो किले थे जो उन्होंने जीते थे वो औरंगजेब को ट्रांसफर कर दिए थे, और फिर इसके लिए औरंगजेब ने उनको वहां बुलवाया था दिल्ली के दरबार के अंदर अपने पास। अब जब औरंगजेब के दरबार में पहुंचते हैं शिवाजी, तो औरंगजेब थोड़े उनके साथ मतलब ढंग से पेश नहीं आता, तो उनको बैठने के लिए एक छोटा सा आसन देता है, और उनको बाद में थोड़ा सा चिढ़ जाता है और कैद करने की धमकी दे देता है। तो कैद करवा भी लिया जाता है उनको, शिवाजी को। लेकिन मिर्जा राजा जयसिंह को ये बात गलत लगती है, उनको लगता है कि क्योंकि उनकी जबान पे आपके ये शिवाजी बात करने आए थे औरंगजेब से, और उनको उन्हीं की जबान पर उन्होंने जो उनके बड़े बड़े किले थे हैंड ओवर किए थे, तो उनका मूवमेंट, ये उनका इन्वॉल्वमेंट है, वो गलत होना चाहिए चीज़ में, और शिवाजी को सजा मिलने अटैक उनको या फिर जेल में डालना नहीं करना चाहिए। तो शिवाजी की हेल्प करते हैं वो वहां से भाग निकलने में, ऐसा कई हिस्टोरियंस ने कहा है। और जब ये बात की पता आपको औरंगजेब को चलती है, तो वो थोड़ा चिढ़ जाता है मिर्जा राजा जैसे, थोड़ा नहीं काफ़ी चिढ़ जाता है, और उनको वापस जयपुर आने के लिए बोल देता है, ठीक है। और जब जयपुर से रास्ते में वो आ रहे होते हैं तो उनकी तबीयत खराब होती है और उनको फिर डेथ हो जाती है। तो माना जाता है कि औरंगजेब ने उनको पॉइजन करवाया था, ठीक है। अब ये चीज़ें चल रही हैं, अब देखिए अब किसमें कितनी सच्चाई है, तो जो हिस्टोरियंस अलग अलग है, अलग, कई लोग बोलते हैं कि नेचुरल डेथ थी, वो बहुत थक गए थे क्योंकि एजिड भी काफ़ी हो गए थे, तो जर्नी जो वो अंडरटेक कर रहे थे वो उनसे नहीं सही गई। और कई जगह ये भी जानने को मिलता है कि जैसे उनको ये मरवा दिया गया था। अब यही सेम चीज़ आपके अबुल फजल के लिए भी सुनने को मिलती है, ठीक है। तो बहराम खान को जो मरवाया था, तो उसके अंदर भी यही कहानी मिलती है, अकबर ने बहराम खान को मरवाया था कि उसको हज पे जाने के लिए भेज देते और वहाँ उनकी डेथ हो जाती है। तो ये सारी कहानियाँ हम आपको कॉमन है, मतलब हम मान सकते हैं कि औरंगजेब ने करवाया होगा ऐसा बिल्कुल, क्योंकि वो उन्होंने इन्वॉल्वमेंट था उनको शिवाजी को भगाने में, और शिवाजी उनके हाथ में औरंगजेब कभी भी नहीं है दोबारा, इसलिए, ठीक है। सो ये आपके श्रीनाथ जी टेम्पल के बारे में सारी डिटेल्स थी जो आपको मैंने बताई, सारी ध्यान रखें, सारी इंपॉर्टेंट है, हवेली संगीत, पंचायतन, आपके हवेली टेम्पल जो आर्किटेक्चर है, पिछवाई पेंटिंग्स है, ये जो विग्रह इसको कहते हैं टेम्पल का फॉर्म है, तो ये सारी चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा हाँ, और एक इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कि चीफ श्राइन ऑफ वल्लभ संप्रदाय, तो जो वैष्णव संप्रदाय का एक सबसेक्ट है वल्लभ संप्रदाय, उनका जो पुष्टि मार्गीय भी जिनको कहते हैं, उनका एक सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर है वल्लभ संप्रदाय के आपके पंडितों का, ठीक है। पुष्टि मार्गीय ब्राह्मण कहते हैं वो अपने आपको, जैसे पुष्करणा ब्राह्मण बीकानेर के बड़े फेमस है, जैसे पुष्टि मार्गीय ब्राह्मण मेवाड़ के आपके उदयपुर के बड़े फेमस है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है, श्रीनाथ जी का टेम्पल राजसमंद में है और वो मंदिर नाथद्वारा टेम्पल कहलाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे, आप आई थिंक जूनियर अकाउंटेंट किसी एग्जाम में चीज पूछी हुई है, तो ध्यान रखना आप राजसमंद के अंदर मंदिर है सिचुएशन, ठीक है। कई लोग उसको उदयपुर कर जाते हैं, लेकिन राजसमंद में, पहले तो मेवाड़ था पूरा, इसलिए उसमें उदयपुर और राजसमंद और ये सब बता हुआ नहीं था, पर बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ राजसमंद डिस्ट्रिक्ट, तब से ये राजसमंद कहलाता है, तो ध्यान ये ध्यान रखिएगा। नाउ द्वारकाधीश टेम्पल, ये भी कांकरोली है, कांकरोली राजसमंद के अंदर, ये भी ध्यान रखना, कांकरोली राजसमंद, द्वारकाधीश टेम्पल विष्णु टेम्पल है, कृष्ण टेम्पल है राधा, ऐसे समझ लीजिए। और ये भी महाराणा राज सिंह ऑफ मेवाड़ ने बनवाया था, एक्चुअल फोटोग्राफ है आपके द्वारकाधीश टेम्पल की। और दिस इज वन ऑफ द सेवन सेक्रेड श्राइन्स ऑफ द वल्लभ संप्रदाय। अब देखो मैंने यहाँ पर चीज ये नहीं बताई, लेकिन ये वल्लभ संप्रदाय ने, अच्छा ये जो श्रीनाथ जी को सप्त ध्वजा भी कहते हैं, सप्त ध्वजा, ठीक है, ज सप्त ध्वजा। अब वो इसीलिए
कि श्रीनाथ जी के इसी ये जो विग्रह है, इसी तरह के 7 मंदिर और हैं पूरे राजस्थान में। भरतपुर का है, कामा का है, मदन मोहन मंदिर है, कोटा का है, तो ऐसे 7 मंदिर है अलग अलग जगहों पर, ठीक है। तो इनको और जो सबसे जो चीफ मंदिर है, जो चीफ शैन लिखा है ना, सबसे मेजर मंदिर है वो आपके श्रीनाथ जी का यहाँ का है, राजसमंद वाला नाथद्वारा का। तो इनको सप्त ध्वजा भी कहते हैं, 7 ध्वजों का नाम। तो 7 मंदिरों पर, क्योंकि मंदिर पर ध्वजा रहती है, एक वो झंडा सा होता है जो ट्रायंगुलर फॉर्म में होता है, जो जो आपके हवा का डायरेक्शन भी बताता है, तो उसको ध्वजा कहते हैं। तो हर मंदिर की जो, तो श्रीनाथ जी का अकेला मंदिर है जहाँ पर 7 मंदिर की ध्वजा उस एक एक मंदिर उस एक ध्वजा के अंदर डिस्प्ले होती है, ठीक है। 7 रंग की अलग अलग ध्वजा होती है उसके अंदर, वो उसमें पार्ट होते हैं 7 उसके, हर ध्वजा हर मंदिर की ध्वजा का एक कलर जो होता है उसके अंदर, ठीक है। तो इसलिए इनको सप्त ध्वजा भी कहते हैं। तो अगर बाय चांस से क्वेश्चन, हालांकि बहुत डीप क्वेश्चन है, आई रियली डाउट कि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी ये अगर आप मेंस में लिखें, जैसे आरएएस वाले तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर मिलते हैं इस चीज के कि सप्त ध्वजा भी आपने नाम मेंशन किया है। तो उसी तरह एक मंदिर है द्वारकाधीश टेम्पल का, सर व्हाट शुड बी डन टू रिटेन दीज फैक्ट्स इन मिनिमम टाइम, रिवाइज, दैट इज व्हाट यू कैन डू, दैट इज द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इन फैक्ट। और जितना ज्यादा बार आप देखते रहोगे इनको, तो ये चीजें याद होती रहेंगी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। हाँ बिल्कुल, ACF के लिए मैं कह रहा हूँ, अब ACF आने वाला है बिल्कुल। तो आर्ट एंड कल्चर, देखो आपको मैंने बताया भी था, जब फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने बताया भी था कि सारे लोग सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपने बॉटनी लियो, चाहे आपने जूलॉजी लियो, चाहे आपने एनवायरमेंट वगैरह लियो, लेकिन होता क्या है कि आपका जो डिफरेंट जो डिफरेंस क्रिएट होगा वो आपका पेपर 1 और पेपर 2 से होगा, एक तो जीके से होगा और एक इंग्लिश से होगा। तो ये ध्यान रखना, आप इनको लाइटली मत लेना, रैंकिंग आपकी ये डिसाइड करेगी, ठीक है। क्वालिफाइंग आपका, हालांकि ये पेपर क्वालिफाइंग नेचर टाइप के होते हैं क्योंकि मेरिट में जुड़ते हैं, तो रैंकिंग आपके ये पेपर ही डिसाइड करेंगे। आपके जितने भी पेपर हैं टॉपिक्स के, वो कहीं ना कहीं इवन आउट हो जाते हैं। बहुत लोग देते हैं, कई लोग कॉमन पेपर देते हैं, खासतौर से एनवायरमेंट, तो 90% लोग एनवायरमेंट लेके एग्जाम देते हैं, आप एनवायरमेंट इकोलॉजी वाला जो आपका एक पेपर, तो वो कहीं ना कहीं इवन आउट हो जाएगा। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी जीके और इंग्लिश के अंदर, इसको लाइटली मत लेना। कई लोग सोचते हैं सब्जेक्ट अच्छा होगा, कमांड होगी, तो जीके का वो भरपाई कर देंगे, पर ऐसा होता नहीं, एकदम बिल्कुल गलत अप्रोच है, क्योंकि आपकी रैंकिंग हमेशा जीके और इंग्लिश डिसाइड करेगी। एक तो अगर गलती से पास नहीं हुए तो आगे के पेपर ही चेक नहीं होंगे, और दूसरा अगर पास हुआ अच्छा स्कोर नहीं किया तो रैंकिंग कहीं ना कहीं नीचे आ जाएगी। 200-250 पोस्ट सारी हैं, तो आपको मतलब एक तरह से इनके अंदर अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, और उसका सीधा सीधा एक ही है, आपको रिवाइज करना पड़ेगा रेगुलर होकर, ठीक है। प्लीज़ गो थ्रू दीज वीडियोज, और वीडियोज देखकर भी आप जल्दी पढ़ सकते हो, अगर तो वो भी आप देखते रहो, घूमते फिरते भी दिमाग में आप, चाहे फोटो के मत देखो, हेडफोन लगा के आप वॉक पे निकलते हो, एक्सरसाइज करते हो, जो भी करते हो आप उनको सुनते रहिए, तो ये आपको कहीं ना कहीं याद होते रहेंगे, हिट करते हैं। और एक बार आपको ऐसा लगेगा कि सर मुझे याद नहीं हो रहा है, मैं भूलता जा रहा हूँ, लेकिन जैसे एग्जाम के अंदर ऑप्शन दिखते हैं ना, तो वो अपने आप निकल के आते हैं कि यार ये आंसर हो सकता है। कहीं ना कहीं कोई चीज़ें होती हैं हमारे बैक ऑफ द माइंड, वो चीज़ें सेव हो जाती हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये भी कांकरौली का भी मंदिर है, सप्त ध्वजाओं में से एक मंदिर है, तो इसकी ध्वजा का भी जो एक रिफ्लेक्शन है, एक प्रतिबिंब है, वो सप्त ध्वजा के अंदर मेंशन रहता है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर आपके आते हैं गोविंद देव जी टेम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है, मैं खुद जयपुर से हूँ इसलिए मैं इसकी इंपॉर्टेंस जानता हूँ। जयपुर का आराध्य देव कहते हैं इनको, जयपुर का आराध्य देव, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इनके बारे में मैंने भी बहुत जगह पढ़ा है, सुना है इनके बारे में, तो ये जो एक्चुअली विग्रह है गोविंद देव जी का, ठीक है, ये विग्रह इट्स एक्चुअली सेम है बिल्कुल जो आपके वृंदावन के अंदर है, ठीक है, वृंदावन के अंदर। और ऐसी किंवदंतियां हैं या फोकलोर्स हैं, वो कहते हैं कि अगर दुनिया में कभी प्रलय आती है, इफ एट ऑल अगर प्रलय आएगी, तो पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 2 जगह बचेंगी जो जलमग्न नहीं होंगी या जो खराब नहीं होंगी, जो डिस्ट्रॉय नहीं होंगी। इसमें से एक तो है वृंदावन अपने आप में, और दूसरा है जयपुर, ठीक है। वो इसीलिए कि मथुरा वगैरह इसलिए नहीं, क्योंकि मथुरा कृष्ण भगवान ने छोड़ दिया था, और ये एक्चुअल विग्रह हैं जो राज सिंह की जो मदर थी, उनको सपना आया था कि भाई कहाँ पर कृष्ण की मूर्ति कैसी होनी चाहिए। तो जो 7 मंदिर जो बने हैं ना, वो वृंदावन और आपके सब मिलाकर, द्वारकाधीश मंदिर है आपका, मदन मोहन जी का मंदिर है आपके, ये श्रीनाथ जी का मंदिर है, तो उनके अंदर अलग अलग, कहीं कृष्ण की जो मूर्ति शक्ल है वो उनसे मिलती है, कहीं कृष्ण के पैर हैं वो उनसे मिलते हैं, कहीं कृष्ण के हाथ हैं वो उनसे मिलते हैं, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो गोविंद देव जी का मंदिर भी उनमें से एक है। अब यहाँ पर जैसे कृष्ण के जो, जैसे राजस्थान के जो गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर का, वहाँ पर कृष्ण के चरणों की पूजा होती है, ठीक है, क्योंकि जो राज सिंह की जो माता जी थी, उन्होंने कहा था कि जो कृष्ण के जो पैर बने गोविंद देव जी के मंदिर के अंदर, वो एग्जैक्टली रिजेंबल करते हैं जो उन्होंने सपने में देखे थे कृष्ण की जो मूर्ति, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर पैरों की बहुत पूजा होती है, तो पैरों के अंदर बहुत इनको पावरफुल मानते हैं। तो अगर कोई जयपुर का होगा तो जब वो गोविंद मंदिर जाता है, हमेशा पैरों के दर्शन करता है, बहुत ध्यान चित्त लगाना जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है। सवाई जयसिंह ने बनवाया था यहाँ पर, जब जयपुर की स्थापना हुई थी 1707 में, तो सवाई जयसिंह ने मंदिर बनवाया था, और इट इज द मेन टेम्पल ऑफ गौड़ीय संप्रदाय। तो गौड़ीय जो संप्रदाय है ब्राह्मण्स का, ठीक है, तो गौड़ीय संप्रदाय का सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल गोविंद देव जी मंदिर का ही है, ठीक है। अलग अलग अब ये मूर्तियां क्या कॉमन थी, कई जगहों से लाई हुई थी, तो ये भी ढूंढकर, और तो क्योंकि मंदिर तोड़ना बहुत शुरू हुआ, तो वृंदावन की जो एक्चुअल मूर्ति उसी के प्रतिबिंब है यहाँ पर, और मूव कर गए थे, तो इसीलिए जो आपको मैंने बताई ना जो फोकलोर,
वृंदावन की और जयपुर की प्रलय आती थी, वो इसी वजह से फेमस है। नाउ फिर आपके आते हैं अंबिका माता मंदिर। अब अंबिका माता मंदिर है आपके जगत उदयपुर में, इसको जगत जगदम्बिका मंदिर भी कहते हैं, ठीक है, जगदम्बिका। तो ये जगदम्बिका मंदिर भी कहलाते हैं, जगत जगह उदयपुर में, इसीलिए जगत लोकेशन है और अंबिका माता मंदिर 925 के अंदर बनवाया गया था एडी के अंदर। और इसको मेवाड़ का खजुराहो भी कहते हैं, ठीक है, मेवाड़ का खजुराहो। राजस्थान का खजुराहो आपका किराड़ू बाड़मेर, तो ये ध्यान रखना। तो राजस्थान का खजुराहो तो है वो है आपका किराड़ू बाड़मेर, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये है आपका किराड़ू जो बाड़मेर के जो मंदिर है, ठीक है। और जो मेवाड़ का खजुराहो है वो है आपका अंबिका माता मंदिर जगत। अब आप देख सकते हैं, जैसे अगर अगर आप लोग कंफ्यूजन है थोड़ी सी, तो आप लोग सर्च कर सकते हैं खजुराहो टेम्पल जो एमपी के अंदर है, तो वो आपका जो आर्किटेक्चर है आपको इसी तरह का देखने का मिलेगा। बड़े बड़े स्टोन पिलर्स हैं उसके ऊपर, बहुत शानदार एनग्रेविंग्स करी हुई है, कार्विंग्स हैं, ठीक है। तो और ये पूरा द्रविड़ शर्मा, ये कलश हो जाता है, जब कल मैंने बताया था कलश है, और ये पूरा आपका ग्रीवा हो जाती है, फिर कॉरिडोर वगैरह, वॉल्स, थाई जंगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म जो है ये आपका अधिष्ठान कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा मंदिरों के अंदर, कोई कॉमन फीचर मिलेगा आपको उस टाइम के नागर शैली के मंदिर में राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मेवाड़ का खजुराहो आपका अंबिका मंदिर है, और आपके राजस्थान का खजुराहो आपका किराड़ू बाड़मेर है। ऐसे मैंने आपको 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको मैंने बताया था राजस्थान का ताजमहल या मारवाड़ का ताजमहल, वो आपका जसवंथड़ा, जो आपके जसवंत सिंह सेकंड की जो मेमोरियल है, जो सीनोटैफ है, वो चीज़। तो वो ध्यान रखिएगा, है ना। तो ऐसे ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, और आपके ACF में सारे क्वेश्चन बाकी में पूछे जा सकते हैं, ये क्वेश्चन मिक्स एंड मैच में भी आ सकते हैं, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर आपके अगला मंदिर आता है जगदीश टेम्पल उदयपुर का, जो महाराणा जगत सिंह ने बनवाया था, जगत सिंह फर्स्ट ने बनवाया था, ठीक है। अर्जुन, सूत्रधार भाणा और मुकुंद, इन तीनों की देख रेख के अंदर ये मंदिर बनवाया था। ओवरऑल जो सुपरविजन था वो अर्जुन का था, और जो सूत्रधार था मतलब मेन जो जिसने ये बनवाना शुरू करवाया था वो आपके भाणा था और मुकुंद थे, ये दो लोग थे, ठीक है। तो जगत सिंह ने बनवाया था मंदिर, और ज़्यादातर नाम तो इंपॉर्टेंट जगत सिंह का ही, उनके काल में बनाया गया था, ये तो शिल्पी हो गए थे एक तरह से, शिल्पी, सूत्रधार और ये सब लोग। फिर ये लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड टेम्पल है, जहाँ पर काले पत्थर के अंदर, ब्लैक स्टोन के अंदर ये मूर्ति बनी हुई है आपके भगवान विष्णु की। और इसको ऐसा भी कहा जाता है टेम्पल मेड अप ऑफ ड्रीम्स, ठीक है, तो जो सपनों का सा बनाया हुआ मंदिर। तो आप ये देख सकते हैं, ये अगर ये इमेज थोड़ी क्लियर नहीं है, क्योंकि अगर मुझे पूरी इमेज डालनी थी तो मैं इस ये डाल पाया, अगर बड़ा तो ब्रेकअप दिखता छोटा सा, समझ में नहीं आता। तो ये लेकिन इसके ऊपर एंग्रेविंग्स बहुत ज़्यादा हो रखी हैं, ठीक है, ये पूरा मार्बल के अंदर बना हुआ है और बहुत बहुत खूबसूरत एंग्रेविंग्स हैं, बहुत विशाल है, ठीक है। तो ये इसका ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये जगदीश टेम्पल आपके उदयपुर का। इसके बाद आपके आता है एकलिंग जी मंदिर, ये एकलिंग मंदिर है, ये भी देख लो आप, नागर शैली का स्पेशल मंदिर बना हुआ है, उसी तरह का आपको पूरा कलश है और अधिष्ठान है, और ये पूरा ग्रीवा है, फिर आपकी ये पद प्रदक्षिणा है, तो ये पूरा ध्यान रखिएगा, है ना, एकलिंग जी टेम्पल। और ये एक्चुअल मूर्ति है एकलिंग जी की, और ये लकुलीश संप्रदाय का मंदिर है, इसको लकुलीश मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। तो जैसे शिव के जो कई मंदिर हैं यहाँ पर, तो उसमें लकुलीश संप्रदाय का एकमात्र मंदिर है राजस्थान के अंदर। शिव के कई सारे वो सेक्ट बने हुए थे, ठीक है, जिसके अंदर से एक आपका अघोरी संप्रदाय भी है, लकुलीश भी है, नागा साधु भी होते हैं, तो बहुत से ऐसे मंदिर बने हुए हैं राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो इसकी लोकेशन कहाँ है, कैलाशपुरी उदयपुर, उदयपुर के अंदर है लकुलीश टेम्पल एकलिंग जी का, ये ध्यान रखना। कई लोग गलती से इसको एकलिंग जी को टेम्पल वहाँ भी कर जाते हैं मार्क आपके कांकरौली के अंदर, तो वो नहीं है, ठीक है, ये कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर है। और ये बापा रावल ने बनवाया था, बापा रावल शिव भक्त था बहुत बड़ा, ठीक है, तो बापा रावल ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और मेवाड़ के महाराणा एक्चुअल जो राजा मानते हैं वो लकुलीश जी को, एकलिंग जी को राजा मानते हैं, ठीक है। तो ये एकलिंग जी के मंदिर को अपना राजा महाराज मानते हैं, खुद को दीवान मानकर सेवा करते हैं। मेवाड़ के जितने भी महाराणा है ना, वो सारे के सारे क्या करते हैं, एकलिंग को अपना ठाकुर मानते हैं, ठाकुर इसीलिए वहाँ पर यूज होता है ज़्यादा, और वो मंदिर पूरा करता धरता वही है, ठीक है। और यहाँ पर जो है, और अपने आप को दीवान मान के, जैसे आपके त्रावणकोर का जो जो केरला के अंदर त्रावणकोर जो एक आपके वो है क्या कहते हैं जो रॉयल फैमिली है, जो पद्मनाभ स्वामी टेम्पल है, तो त्रावणकोर अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा कि त्रावणकोर को बोर्ड पे रहने के, त्रावणकोर रॉयल फैमिली को बोर्ड पे रहने का अधिकार दिया सुप्रीम कोर्ट ने, आपके पद्मनाभ स्वामी टेम्पल का जो बोर्ड है, जो पूरा आपका जो पूजा संभालेगा उसकी तरफ देख रेख करेगा एडमिनिस्ट्रेशन को। तो वो इसीलिए कि वहाँ के जो राजा थे मार्तंड वर्मा, जिन्होंने पद्मनाभ स्वामी टेम्पल बनवाया था, उन्होंने अपने आप को दीवान मानकर वहाँ पर सेवा करनी शुरू की थी। और राजा कौन थे आपके त्रावणकोर के, जो पद्मनाभ स्वामी टेम्पल जो है, वो जो पद्मनाभ स्वामी जी थे, वो जो जो भगवान है विष्णु की जो लेटी शैया के ऊपर, जो आपके शीर शैया पे शाल सागर में जो निवास कर रहे हैं, वो वाली जो मूर्ति आती है उसके ऊपर, ठीक है। तो वो आपके होते हैं। तो वॉट इज मेंट बाय एकलिंग जी, एकलिंग जी मतलब शिव का ही नाम है, ठीक है। ये जो आपके जो जो शिवलिंग होता है उसको हम एकलिंग कहते हैं, ठीक है। शिवलिंग के सारे फॉर्म जो होते हैं वो उसी के एकलिंग फॉर्म के अंदर ही होते हैं, क्योंकि शिव को फॉर्मलेस बोलते हैं ना, फॉर्मलेस डीटी। तो शिवलिंग की कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं होती है, छोटा भी होता है, लंबा भी हो जाता है, बड़ा भी होता है, खंडित भी होता है, फिर भी उसकी पूजा की जाती है, ठीक है। तो शिव को हर फॉर्म में हम वर्शिप कर सकते हैं।
तो शिव रिप्रेजेंट्स शून्य, ठीक है, जीरो से, और जीरो की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, इंपॉर्टेंट है बहुत, तो इसीलिए शिव को भी उसी तरह रिप्रेजेंट किया जाता है कि शिव के बिना कोई लाइफ फॉर्म हो नहीं सकती है दुनिया के अंदर। इसीलिए अगर आप लोगों ने कहीं फॉलो किया होगा, तो अगर ध्यान दिया हो, तो हम कभी भी कोई ऐसा शिव जी का बर्थडे नहीं मनाते हैं, वी नेवर सेलिब्रेट हिज बर्थडे। जैसे आपके जन्माष्टमी होती है, कृष्ण भगवान का बर्थडे होता है मनाते हैं, गणेश चतुर्थी जो गणेश का बर्थडे मनाते हैं, ऐसे शिव जी का हम कभी कोई बर्थडे नहीं मनाते, उनका बर्थडे नहीं आता है, ठीक है। एंड फॉर दोज ऑफ यू बिफोर यू ट्राई टू करेक्ट मी, शिवरात्रि मनाते हैं, शिवरात्रि शिव जी की बर्थडे नहीं, शिवरात्रि शिव जी की शादी का दिन मनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो उस दिन शिव जी की शादी हुई थी, ठीक है, दे हर हिज वेडिंग वॉज ऑन दैट डे। तो शिव को इसीलिए अजन्मा भी कहा जाता है, अजन्मा, ठीक है, वो पैदा ही नहीं हुए थे, क्योंकि शून्य से सृष्टि को, सृष्टि का निर्माण शिव की नाभि से ही ब्रह्मा निकलते हैं, इसलिए, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, शिव को इसीलिए अजन्मा कहते हैं। तो अगर आप लोग नहीं जानते हैं, तो थोड़ा मतलब थोड़ा फिलोसफी रिलीजन वगैरह थोड़ा पढ़ना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। चलिए फिर दूसरी, यहाँ पर डायमंड स्टडेड स्नेक ऑफर किए जाते हैं। तो ये आप देख रहे हो, ये डायमंड स्टडेड स्नेक है पूरा, इसके अंदर पूरे हीरे जड़े हुए हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर इनको मेवाड़ के जो राजघराना है, उनका कुल देवता भी माना जाता है, क्लैन गॉड, कुल देवता ऑफ मेवाड़ रॉयल्स, ठीक है। तो जितने भी मेवाड़ की रॉयल फैमिली है, उन सबको यहाँ पर इनका कुल देवता मानते हैं, एकलिंग जी को। यहाँ पर एक राणा कुंभा ने विष्णु टेम्पल भी बनवाया था, ठीक है, और जिसको हम मीराबाई का मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ, ये वाला मंदिर जो बीच में बना हुआ है ना, छोटा सा मंदिर, ये विष्णु टेम्पल बनवाया था, क्योंकि शिव विष्णु को रेप्लीकेट करते हैं। तो जैसे जो प्रिजर्वर होते हैं सृष्टि के, वो आपके और डिस्ट्रॉयर जो, जिनको शिव को मानते हैं, तो उनको ज्यादातर मंदिरों में आपको राजस्थान के अंदर खासतौर से शिव के साथ विष्णु की टेम्पल कहीं ना कहीं आसपास जरूर मिल जाती है, ठीक है। और दिस इज द ओनली प्लेस रिलेटेड टू पशुपत संप्रदाय ऑफ राजस्थान, पशुपत सेट के संप्रदाय, ठीक है। तो पशुपत जो संप्रदाय है, उसका एकमात्र मंदिर है प्लेस ऑफ वर्शिप, ठीक है। आपको जब मैं मेवाड़ की हिस्ट्री पढ़ा रहा था, इफ एनीबडी हैव रेड इट इन दी वीडियो अर्लियर, जो हिस्ट्री में पढ़ा रहा था लेट्स के राजस्थान वाले चैनल पर अनअकैडमी की, तो वहां पर आपको मैंने बताया था कि जो रावल रतन सिंह थे पद्मिनी वाले, उनका भाई थे कर्ण सिंह, ठीक है, जिसका पूरा नाम था कुंभकर्ण, जो अपना राजपाट छोड़कर चला गया था नेपाल, ठीक है। और नेपाल के अंदर बाबा गोरखनाथ का को अपना गुरु मानता था, तो नेपाल के अंदर वहां जाकर उसने गोरखनाथ संप्रदाय की स्थापना करी थी, जिसके लिए हम गोरखा भी कहते हैं। तो नेपाली जो होते हैं, जो बहुत बड़े फाइटर, जिनको हमारी गोरखा रेजिमेंट भी है राजस्थान में और इंडिया के अंदर, तो गोरखा, तो गोरखा जो थे वो कुंभकर्ण राजस्थान से लेके, गोरखनाथ बाबा थे, उन्हीं के फॉलोअर थे कुंभकर्ण, ठीक है। उसने वहां जाकर नेपाल के अंदर अपनी संप्रदाय की स्थापना करी थी, राजपूत जो वंश था, रावल राजपूत, तो वो जो शाखा थी उसका एस्टैब्लिश करी थी, ठीक है। तो रतन सिंह के मारे जाने के बाद राजस्थान के अंदर रावल शाखा खत्म हो गई थी, लेकिन नेपाल में रावल शाखा चल रही थी, ठीक है। और वहीं पर उसने पशुपतिनाथ मंदिर का भी निर्माण करवाया था, तो ये वही पशुपति सेक्ट है जो राजस्थान में फॉलो किया था, उसका एकमात्र मंदिर है आपके राजस्थान के अंदर। सुनील जी, जूलॉजी और एनवायरमेंट साइंस का, देखो सुनील जी, मैं एक्चुअली साइंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो वो मैं नहीं करवा सकता आपको जूलॉजी और वो, लेकिन जो एस के सर हैं और दूसरे आपके नवीन सर हैं, वो आपको जूलॉजी और ये साइंस वाले बैकग्राउंड वाले टॉपिक्स करवा रहे हैं, क्योंकि जो राजस्थान में बैच कोर्स शुरू किया हमने ACF के लिए, वो इसी तरह से शुरू किया था कि राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की हिस्ट्री, इंडिया का आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स वगैरह वो मैं करवाऊंगा, और बाकी जो टॉपिक्स वगैरह हैं वो सब्जेक्ट से, वो साइंस और ज्योग्राफी इस तरह रिलेटेड टॉपिक्स वो करवाएंगे। तो इसी तरह से वो चल रहा है, तो थोड़ा सा आप उन सर को पुश करिए, तो वो आपको करवाएंगे। हालांकि इन्वायरमेंटल इकोलॉजी तो बड़ा अच्छा पढ़ा भी रहे नवीन सर, तो आप वहाँ देख सकते हैं उनके वीडियोस, 7 बजे आते हैं। ऐसे ही आपके जो एस के सर हैं, वो 2:30 बजे आते हैं दिन में, तो उनका भी थोड़ा वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं साइंस बैकग्राउंड का हूँ नहीं, तो आई कांट हेल्प यू वेरी मच इन दैट, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, ओके। अच्छा, इसके आसपास क्या एक परकोटा सा बना रखा है, जो महाराणा मोकल ने बनवाया था, ठीक है। तो एक बैटल डोर, जिसको बैटल डोर या रैमपार्ट जो भी कहना चाहो, तो चारों तरफ परकोटा बना हुआ है, वो महाराणा मोकल ने बनवाया था। और इसका जो जो प्रेजेंट डे कंस्ट्रक्शन जो आप देखते हो मंदिर का, वो सारा महाराणा हरि सिंह ने करवा रखा है, ठीक है। सुनील, आप मेरा पहला वीडियो देख लो, आप राजस्थान 360 का पहला 22 जुलाई का वीडियो होगा वो, उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें वही बताई हैं जो जीके से रिलेटेड है। 22 जुलाई का वीडियो देख लेना आप मेरा, ACF और RAS वगैरह के लिए, ACF स्पेसिफिकली, तो 22 जुलाई का वीडियो देखो, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी जीके की तैयारी कैसे करनी है। हाँ बिल्कुल, अकॉर्डिंग ACF, सारा ACF का ही बताया मैंने, वो स्पेसिफिकली मैंने ACF के लिए लिया है, वो RAS के लिए लिया ही नहीं है मैंने, वो स्पेसिफिकली ACF के लिए लिया है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, 22 जुलाई का वीडियो है वो। चलिए, इसके बाद आप कहता है सास बहू का मंदिर, ठीक है, हाय पूजा। सास बहू या इनको सहस्त्र बाहू मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। तो सास बहू टेम्पल या सहस्त्र बाहू टेम्पल, ठीक है, ये एक्चुअल फोटोग्राफ है उस मंदिर की, काफी ह्यूज है, ब्रिक्स का बना हुआ है, बहुत बड़ा मंदिर है। मरु गुर्जर शैली का मंदिर बना हुआ है, जो आपको मैंने कल लिस्ट भी बताई थी कि मरु गुर्जर शैली कौन से हैं, गुर्जर प्रतिहार शैली वाले कौन से हैं, महामारू स्टाइल के या भूमिज शैली के, तो ये उस फॉर्म के अंदर आप ध्यान रखिएगा।
ठीक है, बिल्कुल पूजा ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, बिल्कुल डेफिनेटली पढ़ाई जाएगी ज्योग्राफी, आपको पूरी ज्योग्राफी करवाई जाएगी राजस्थान की भी अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पैटर्न, तो वो पूरी करवाई जाएगी। आपके ACF का एग्जाम है तो ACF के हिसाब से, अगर आप RIS दे रहे हैं तो फिर RIS के हिसाब से, दोनों तरह से मैं उसकी भी तैयारी करवा दूंगा। ठीक है, इसकी लोकेशन कहाँ है? नागदा उदयपुर। ठीक है, नागदा इज वेरी फेमस फॉर इट्स केमिकल्स, तो केमिकल फैक्ट्री बहुत ज्यादा है नागदा के अंदर, तो केमिकल जो बनते हैं नागदा में काफी बनते हैं राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो वो उसके लिए भी फेमस है नागदा, ये भी ध्यान रखना। बाय चांस अगर आपको ज्योग्राफी या किसी टॉपिक में पूछ लिया कि नागदा किसके लिए फेमस, केमिकल्स के लिए फेमस है। ठीक है, मरुगर्ज, और ये लॉर्ड विष्णु का है। ठीक है, तो लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड टेम्पल है। सुनील एक बार और सॉरी, क्योंकि मेरे को हिंदी टाइपिंग आती नहीं है, लेकिन मैं जो पढ़ाता हूँ वो सारा हिंदी में पढ़ाता हूँ, तो आप मतलब समझने के तौर पर आप सारा देख सकते हैं नोट्स वगैरह का। मैं बिल्कुल मानता हूँ, समझ सकता हूँ कि राजस्थान में मैक्सिमम लोग हिंदी मीडियम से ही देते हैं, बट आई एम सो सॉरी, आई के नॉट, आई डोंट नो हाउ टू टाइप इन हिंदी, प्रॉब्लम इज दैट, तो वो मैं करवा नहीं सकता। ठीक है, अगर हाँ बाकायदा मेरे को कई कई क्वेरीज आई हैं, तो मैं डेफिनेटली कहीं ना किसी से टाइप करवाकर मैं वीडियोस के नोट्स देने की बिल्कुल कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द टाइप हो जाए, तो हिंदी में भी मैं इनको टाइप करवा दूँ किसी से और फिर दे दूंगा। ठीक है, ध्यान में, आई मीन इंग्लिश में तो चल ही रहा है पूजा, डोंट वरी अबाउट इट, इंग्लिश में तो चल ही रहा है, वो तो मेरी क्लासेस चलती ही रहेगी। ठीक है, तो और ये जो बड़ा मंदिर है सास मंदिर, वो आपके ब्रिक्स से बना हुआ है, एंड द रेस्ट ऑफ द टेम्पल इज बिल्ट यूजिंग मार्बल। ठीक है, और जो छोटा मंदिर है वो बहु मंदिर के लिए, तो बड़ा मंदिर सास का, ये वाला जो सास का मंदिर है, और ये आपके जो जो बहु मंदिर है वो एक्चुअली ऐसे इस तरह का माना जाता है कि जो नवविवाहिताएं जो होती हैं वो अपनी मदर इन लॉ के साथ या सास के साथ मंदिर में दर्शन करती हैं। मेवाड़ में ऐसी प्रचलन है इस तरह का। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, और ये वाला वही सास मंदिर है, तो इसलिए इसको सहस्त्रबाहु मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप सहस्त्रबाहु टेम्पल, इसका भी ध्यान रखिएगा, सहस्त्रबाहु के नाम से ही ज़्यादा पूछने के चांसेस हैं, क्योंकि तो सास बहु का टेम्पल तो फिर भी लोगों को पता लग गया है, आई मीन याद रहता है, सहस्त्रबाहु याद नहीं रहता है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। फिर आपके आता है संबिदेश्वर मंदिर, मोकल का मंदिर जो है, ठीक है, जो मैंने कल भी बताया था आपका। ठीक है, ना देर इज वन नागदा इन MP ऑल्सो। हाँ बिल्कुल, MP में भी एक नागदा है, डेफिनेटली MP में नागदा है, वहाँ पर भी केमिकल बहुत फेमस है, वहाँ की जो वहाँ पर भी केमिकल फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा फेमस है नागदा MP के अंदर, दोनों जगह कहीं। ठीक है, अब आप कहता है संबिदेश्वर टेम्पल, मोकल मंदिर, तो ये संबिदेश्वर टेम्पल है, तो ये चित्तौड़ के अंदर है, कल मैंने बताया भी था थोड़ा सा, और भोज परमार ने बनवाया था, जो मालवा का राजा था, बहुत फेमस, बहुत पावरफुल वॉरियर था, जिसने परमार को स्थापना वंश स्थापना करने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, बहुत ज़्यादा उसकी उन्होंने अपनी किंगडम को बढ़ाया था, एम्पायर बिल्डिंग करी थी पूरी परमार वंश की, तो इसलिए भोज परमार ने मंदिर बनवाया था, और महाराणा मोकल ने इसका रेनोवेशन करवाया था, इसीलिए इसको मोकल का मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, और ये लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड है। ठीक है, लॉर्ड शिव, भगवान शिव को संबिदेश्वर मंदिर डेडिकेटेड है, और ये भी आप पूरा देख सकते हैं। तो नागर शैली की जो विशेषताएं जो मैंने कल की वीडियो में बताई थी, वो आप सारी लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़। ठीक है, विशेषताएं आपके मेंस में पूछी जा सकती हैं RIS के अंदर, और आपके ACF के अंदर ट्रिकी क्वेश्चन बनाना होगा, तो वो ये बता देंगे कौन कौन से फीचर आपके नागर शैली के मंदिर के अंदर होते हैं। ठीक है, तो वो चीज़। राहुल, ACF का एंटायर सिलेबस से मेरा मतलब है, जो मैं क्लैरिफाई कर दूँ, जो मेरा मेंशन है राजस्थान के आर्ट कल्चर हिस्ट्री ज्योग्राफी थोड़ा बहुत इकोनॉमी का पार्ट जी, अगर जो कुछ बच जाता है जो जो आपके नवीन सर और वो नहीं ले पाएंगे, SK सर वो, और उसके अलावा आपका क्या कहते हैं करंट अफेयर्स, ये सब अभी कल परसों मेरी करंट अफेयर्स की दो स्पेशल क्लास रहेंगी। ठीक है, तो वो चीज़, तो वो ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको अभी रिमाइंड करवा देता हूँ, कल दोपहर में 11:30 बजे मेरी स्पेशल क्लास रहेगी, जो प्लस पर, जो सबके लिए फ्री है, फॉर एवरीबडी। ठीक है, जिसके अंदर मैं राजस्थान के करंट अफेयर्स कवर करने वाला हूँ, राजस्थान करंट अफेयर्स, तो आप अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लेना, सिर्फ मेरे आपको क्लास विजिबल हो जाएगी वहाँ पर राजस्थान करंट अफेयर्स के नाम से। तो कल और परसों रोज दोनों दिन सुबह 11:30 बजे स्पेशल क्लास रहेगी, सबके लिए फ्री रहेगी। ठीक है, टोटल उसमें जो जनवरी से लेकर मार्च तक का तो मैं कल डिस्कस करूंगा, और मई से लेकर जून तक का मैं आपको परसों डिस्कस करूंगा, तो जो भी राजस्थान के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो सारे उसमें डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, तो वो मिस मत करिएगा, और वो मोटे मोटे जो बहुत ज़्यादा राजस्थान के इंपॉर्ट जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जैक्टली उसके अंदर, तो वो चीज़ें आ जाएंगी, तो वो फ्री रहेगी क्लास, आप प्लस पे आकर देख लीजिएगा, सर ऐप डाउनलोड करनी होगी उसके लिए आपको। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नाउ, तो ये संबिदेश्वर मंदिर ही मोकल का आपको ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपके आता है सांवलिया टेम्पल, जो मैंने कल डिस्कस भी किया था, पर डिटेल पूरी नहीं बताई थी, तो अब ध्यान रखिए, मंडफिया चित्तौड़, ये सांवलिया सेठ का मंदिर है, पूरा डिटेल के अंदर था ये, आपको मैंने कल समझाया था कि किस तरह से वहाँ पर आपके जो अफीम की खेती होती है OPM की, तो उसका चढ़ावा चढ़ाया जाता है, भगवान को भी अपने बिजनेस में पार्टनर बनवा के रखा जाता है, ताकि अगर प्रॉब्लम हो, मतलब वो जो, क्योंकि वो काली कमाई मानते हैं, तो वो भगवान का भी शेयर हो जाता है, तो कमाई को प्योर कर लेते हैं उस तरह से, ऐसा सोचा जाता है। ठीक है, ठीक है, सांवलिया सेठ मंदिर को सांवलिया सेठ इसीलिए कहा जाता है, सांवलिया सेठ टेम्पल। ठीक है, और भाद्रपद शुक्ल एकादशी को यहाँ पर मेला लगता है। अब ये जो पॉइंट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट RIS एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि फेयर और फेस्टिवल्स पूछे गए हैं,
लेकिन फिर भी अगर ये एसीएफ के दिन को ध्यान रहे तो इम्पोर्टेंट है ये, अगर बाई चांस पूछ भी लें तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है और चित्तौड़ के बहुत लार्जेस्ट टेम्पल्स में से एक है इसीलिए, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, है ना, सावली से टेम्पल। और फिर एक आपके आते हैं आदिनाथ मंदिर, जिसकी लोकेशन माउंट आबू सिरोही की है, 1031 में विमल शाह ने बनवाया था, ये आपके चालुक्य राजा भीम, ठीक है, जो गुजरात का जो चालुक्य वंश था उसका एक सरदार कह लो या उनका एक एडमिनिस्ट्रेटर कह लो, जिसको बाद में इन्होंने मेवाड़ के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर बना के भेजा था, ठीक है, विमल शाह को, तो वहां पर इन्होंने निर्माण करवाया था अपनी पत्नी और पुत्र के साथ मिलकर, उन्हीं की याद में इन्होंने विमल शाह ने मंदिर का निर्माण करवाया था आपके जो आपका माउंट आबू के अंदर है, ठीक है, तो आदिनाथ टेम्पल, जैन टेम्पल, अभी आदिनाथ जी का है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, आप ये भी पूछ सकते हैं कि विमल शाही मंदिर, इसको विमल वसही भी कहते हैं, ठीक है, विमल वसही, विमल वसही, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसको वो मंदिर भी कहा जाता है। और कर्नल टोड ने इसके लिए कहा था, घोड़े वाले बाबा जो कर्नल जेम्स टोड थे, उन्होंने कहा था कि अगर राजस्थान में कोई ताजमहल से मिलता जुलता सुपर स्ट्रक्चर है, भव्य मंदिर है कोई, तो वो आपका विमल शाह टेम्पल ही है, विमल वसही है, विमल शाह टेम्पल जो है आदिनाथ का जैन मंदिर है, तो वो क्योंकि जैन टेम्पल ही, ध्यान रखना, ठीक है, तो वो इसीलिए वो आपका यही है, तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। अब ये नाम आप ध्यान रखना, क्योंकि आपसे कभी कभी पूछ सकते हैं, ये नए जो पैटर्न के क्वेश्चन है वो भी ऐसे भी आ सकते हैं कि ये लाइन किसने कही थी, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है, विमल वशाही, विमल शाही, जैसे ही दोनों ही चीज। चलिए फिर आपके आता है नेमीनाथ और देवरानी जेठानी टेम्पल, तो ये नेमीनाथ टेम्पल है, ठीक है, साज वो देख लिया आपने, देवरानी जेठानी भी टेम्पल भी कह सकते हैं इसको, इसकी भी माउंट आबू के अंदर ही, इसको वास्तुपाल तेजपाल ने बनवाया था, ठीक है, ये चालुक्य रूलर धवल था, उसके सुपरविजन के अंदर उसके ये थे आपके एडमिनिस्ट्रेटर, उन्होंने शिल्पी शोभन देव, ठीक है, शोभन देव की कहने पर मतलब उसके देखरेख में बनवाया गया था, जो आर्किटेक्ट था वो शिल्पी शोभन देव था। और यहाँ पर नेमीनाथ भगवान जो है उनके काले रंग का वो ब्लैक स्टोन आइडल की मूर्ति बनी हुई है, ठीक है, तो जो काले रंग की जो पत्थर है उसके अंदर जो चमकता है उनके ब्लैक स्टोन आइडल बनी। अब ये ध्यान रखना, ये नेमीनाथ मंदिर है, वो आदिनाथ जी थे, ये नेमीनाथ जी हैं, ठीक है, दोनों ध्यान रखिएगा नाम। और यहाँ पर जब इसकी एंट्री के अंदर दो बड़े बड़े गेटवेज आते हैं जिनको हम देवरानी जेठानी गवाक्ष कहते हैं, ठीक है, इसीलिए इनको देवरानी जेठानी टेम्पल भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये नेमीनाथ टेम्पल के बारे में सारी डिटेल है, इसका नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है, किसने बनवाया था, वास्तुपाल और तेजपाल ने बनाया था। और जो धवल जो रूलर था चालुक्य राजा, जो आपके से चालुक्य राजा भीम था, वैसे चालुक्य रूलर धवल भी था, उसी का वंशज था आपके भीम का, उसने बनवाया था बाद में, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये भी माउंट आबू के अंदर है। इनको आप दिलवाड़ा टेम्पल्स के नाम से भी जानते हो दोनों को, वहीं पर उसी कंपाउंड के अंदर बने हुए हैं ये, ठीक है। चलिए फिर आपके आते हैं शिला माता का टेम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है, और ये शिला माता की एक्चुअल जो फोटोग्राफ है वो ये वाली ही है, जयपुर के आमेर के अंदर है, बहुत फेमस दोनों मंदिर, इनफैक्ट जगत शिरोमणि टेम्पल और शिला माता दोनों आमेर के अंदर है, और दोनों मानसिंह के काल के अंदर बने हुए हैं। मानसिंह जो फर्स्ट थे, जो अकबर के बहुत एक एबल जनरल भी थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे राजपूत और मुगल जो अधीनता, जो आई मीन पूरे हिंदुस्तान में जो मुगल एम्पायर स्टैब्लिश हुई थी वो मानसिंह जैसे ही राजाओं की वजह से हुई थी। दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल इन यू नो स्टैब्लिशिंग मुगल एम्पायर, स्ट्रेंथनिंग ऑफ मुगल एम्पायर रादर इन राजस्थान, ठीक है। तो मानसिंह ये इन्होंने मंदिर, और ये जो मूर्ति थे वो बंगाल से जीत कर लेकर आए थे, शिला माता की जो मूर्ति है, ठीक है, और ये काले रंग की मूर्ति है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो डार्क कलर की है। इनकी जो व्हाइट फॉर्म है गॉडेस की, वो अंबा माता की है, ठीक है, ये सेम मूर्ति है उनकी भी, अंबा की भी और आपके शिला माता की भी, ये ब्लैक है। आप देखना ये जो मूर्ति है इनकी, जो इनका सर वो एक तरफ थोड़ा सा बेंड होता है, ठीक है, तो जैसे राजस्थान जो जयपुर के अंदर इनको कहते हैं ठिनका हुआ, ठिनका मतलब गुस्से में लगती है थोड़ी सी देखकर, ठीक है, तो मुंह थोड़ा सा इनका टिल्ट हो जाता है एक तरफ, तो यार देख रहे हो एक तरफ टिल्ट हो रहा है, इसीलिए एक्चुअली खंडित नहीं है मूर्ति, पर मूर्ति बनी हुई ऐसी है। कहा जाता है ऐसा कि पहले मूर्ति सीधी थी और पहले यहाँ पर काफी हद तक पशु बलि दी जाया करती थी। अब ऐसी कहावत है, मैं आई एम नॉट श्योर कितना वो है, अब कहावत किंवदंती है कि पशु बलियां बहुत दी जाती थी, तो तब तक ये मूर्ति सीधी थी। इवेंचुअली क्या हुआ, और पशु बलि आपको पता है जो इनकी सवारी होती है लायन, उनके लिए दी जाती थी, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर जैसे ये स्क्रिप्चर्स में अगर आप कोई बोलते हैं ना कि हिंदुस्तान माताओं को बलि दी जाती, माताओं कभी बलि नहीं लेती हैं, जो उनके जो सवारी होती थी लायन, उनके लिए बलि दी जाती थी हमेशा, ये भी आप ध्यान रखिए। ये भी करेक्शन जो बहुत कम लोग मतलब लोग समझते नहीं है हिंदुइज्म के अंदर, फिर भी उस चीज़ को गलत उसको प्रोपोगेट करते, तो वो चीज़, तो बाद में जब वो बलि देना बंद हो गई थी, धीरे धीरे मूर्ति का फॉर्म टिल्ट हो गया था, तो एक सिम्बॉलिक तौर पर अब आप कहते हैं ना मतीरा या आप तरबूज, इसकी बलि दी जाती है सिंबॉलिक तौर पर अब राजस्थान के अंदर, क्योंकि पशु बलि बंद हो चुकी है, ठीक है, नर बलि पशु बलि सब बंद हो चुके, तो इसलिए सिंबॉलिक बलि जाती है। इसलिए अब ये आमेर के अंदर मानसिंह जी ने 16th century में बनवाया था मंदिर, और ये शिला माता की मूर्ति बंगाल से लेकर आए थे। और इसका जो मार्बल वर्क है पूरा, जो आज के टाइम पर जो हम देखते हैं बहुत बड़ा मेला लगता है नवरात्रों के दिनों में, यहाँ पर छठ के दिन बहुत बड़ी पूजा होती है यहाँ पर, ठीक है, जो 6th day ऑफ नवरात्र होता है, तो वहां पर वो जो पूरा कॉरिडोर जो सब बनवा रखा है वो सवाई मानसिंह सेकंड, जो आपके बाद में राज प्रमुख भी बने थे राजस्थान के, उन्होंने 1906 में इसका निर्माण करवाया था, जो गायत्री देवी के हस्बैंड थे वही, ठीक है, सवाई मानसिंह सेकंड उन्होंने करवाया था।
फिर आपके आता है जगत शिरोमणि टेम्पल, ये भी आमेर के अंदर है। तो ये वाला उसका जो पूरा एक्चुअल जो इमेज है वो आपकी जगत शिरोमणि मंदिर के बहुत खूबसूरत है, भव्य मंदिर है, विष्णु टेम्पल है, ठीक है, भगवान विष्णु की काले रंग की पत्थर में बनी हुई मूर्ति है यहाँ पर, बहुत फेमस, बहुत बड़ी विशाल मूर्ति है। दूसरी चीज़ ये आपके जो महाराजा मान सिंह की जो धर्मपत्नी थी कनकावती, ठीक है, कनकावती, उन्होंने बनवाया था ये मंदिर अपने पुत्र जगत सिंह की, जो उनकी जो पुत्र था जगत सिंह, उनकी डेथ हो जाती है तो उनके तो उनकी मेमोरी के अंदर उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया था, इसीलिए इसको जगत शिरोमणि मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी ये और कहा जाता है कि ये वो सेम मूर्ति है जिसकी मीराबाई पूजा किया करती थी। अब मीराबाई थी मेवाड़ की, ठीक है, मेवाड़ के अंदर थी, तो बाद में जब जिस मूर्ति के अंदर सर देवाला रणकपुर एंड नेमीनाथ टेम्पल आर सेम और टू डिफरेंट, अलग अलग हैं, रणकपुर पाली के अंदर है, दिलवाड़ा सिरोही के अंदर है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है, जो थी रणकपुर इज इन पाली और दिलवाड़ा टेम्पल्स हैं आपके सिरोही माउंट आबू, ठीक है, तो अलग अलग टेम्पल हैं, एक नहीं है, अलग अलग जगहों पर है, ठीक है। अब चलिए तो अब दूसरा, अच्छा ये वो सेम टेम्पल है जहाँ पर मूर्ति है जहाँ जिसकी जिसके अब ऐसा कहा जाता है कि मीराबाई बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी आपके कृष्ण भक्त थी, ठीक है, उनके अंदर वो अपना सेकेंड हाफ पूरा देखा करती थी, तो और ऐसा कहा जाता है कि उनको जहर दिया गया था मीराबाई को। और कई जगह ऐसी भी जानकारी मिलती है कि मीराबाई जब कृष्ण भक्ति में लीन थी, भजन गा रही थी, तो अचानक उठकर नृत्य करने लगी, ठीक है, नृत्य करते करते वो उस मूर्ति के अंदर ही विलीन हो गए, एक ज्योति से, अब ऐसा पुरानी बातें हैं, आई एम नॉट श्योर कितना सच है उसमें कितना नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो उसी मूर्ति के अंदर विलीन हो गई थी, तो वही मूर्ति लाकर यहाँ पर उन्होंने इंस्टॉल करवाई थी, ठीक है, स्टैब्लिश करवाया था मंदिर, ऐसे मान लो इन्होंने मानसिंह जी की वाइफ कनकावती जी ने, ठीक है, तो उन्होंने मंदिर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है दोनों के दोनों, और आमेर फोर्ट के अंदर ही है, तो बहुत बड़ा फोर्ट है आमेर का भी, जयपुर वाले सब जानते होंगे, उसके अंदर ये बहुत दोनों इंपॉर्टेंट मंदिर हैं, और दोनों पे मेंस के अंदर दोनों के चांस बनते हैं आरएस के अंदर क्वेश्चन आने के, और बाकी आरएस के जो बेसिक डिटेल्स है वो तो आपको मैंने सारी बताई दी है। चलिए तो ये आज की क्लास, अब बाकी सारे टेम्पल्स हम करते हैं कल शाम को 4 बजे, और अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो, तो आपको जो भी डाउट्स हैं आप मुझसे यहाँ पर संपर्क करके अपने डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं। और अगर ये आप ये टेलीग्राम लिंक है, इसके अंदर मेरी क्लासेस के बारे में और करंट अफेयर्स के नोट्स के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड रेट करें, रेकमेंड करें, अपने व्यूज़ लिख कर दें, दैट गिव्स अस अ बूस्ट कि हम लोग सही दिशा में काम कर रहे हैं। अगर कुछ आपको कमी लगती है तो वो बताइए, वो भी सुधार करने की कोशिश करेंगे, सुधार तो क्या, कोशिश बिल्कुल करेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर आप प्लस पे जुड़ना चाहते हैं तो रिमेंबर माई कोड 10BS, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, और मेंस की तैयारी प्लस के हिसाब से, प्लस पर मैं आपके दिसंबर तक या जनवरी तक मैक्सिमम में करवाना चाहता हूँ, बिफोर यू हिट योर प्री, आई वांट कि एक बार कोर्स पूरा हो जाए। दूसरी चीज़, कल का ध्यान रखिए, कल सुबह 11:30 बजे और परसों सुबह 11:30 बजे करंट अफेयर की क्लासेस रहेंगी, राजस्थान के स्पेशल करंट अफेयर, आरए स्पेशल, ठीक है, तो राजस्थान स्पेशल सॉरी, तो करंट अफेयर ACF के हिसाब से, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो थोड़ी डिटेल भी बताऊंगा क्योंकि क्वेश्चन अगर बाय चांस कॉन्ट्रा उसके ऊपर आ जाए, डिटेल में आ जाए, या एक है दो है वाले क्वेश्चन, हालांकि मुश्किल है ACF में ऐसे क्वेश्चन आना, लेकिन फिर भी मैं डिटेल में जो राजस्थानी करंट अफेयर्स हैं वो सारे आपको कवर करवाऊंगा। तो 2 दिन आप प्लस पे फ्री हैं, स्पेशल क्लास है, प्लस के ऊपर है, फ्री है फॉर एवरीवन, सिर्फ आपको ऐप डाउनलोड करनी है एंड यू कैन ज्वाइन मी ओवर देयर, ठीक है। सो आई विल सी यू गाइस टुमारो एट 11 अगेन इन द मॉर्निंग, 11:30 रादर इन द मॉर्निंग फॉर प्लस, एंड एट 4 o'clock फॉर यूट्यूब पीपल। So till then guys, take care and sayonara.